नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितय राय। आज दिखा रहा हूं जो जिस चीज़ के बारे में बोलने जा रहा हूं वो है वर्मीकुलाइट। आपने सुना होगा वर्मीकुलाइट। वर्मीकुलाइट हम क्यों यूज़ करते हैं, कहां करते हैं, ये भी बताऊंगा। तो पहले बोलूं, ये अमेजन से ऑर्डर दिया था और हम मैट तो लेता हूँ हर बार पीपर एग्रो से। अमेजन में पीपर एग्रो जो सेलर है उसकी तरह से कंपनी है पीपर से उनका, तो उससे लेता हूँ, बहुत दिन से ले रहा हूँ। अब खोलता हूँ इसे। वर्मीकुलाइट का जो सबसे अच्छा बात है वो मिट्टी के साथ मिला लीजिए, मिट्टी एकदम हल्का हो जाएगा और ये नेचुरल है, इसमें कोई पेस्ट वगैरह ऐसे नहीं होते। ये है वर्मीकुलाइट, एकदम गोल्डन कलर का होता है, छोटा छोटा दाना होता है इसमें एकदम। और ये से सबसे बड़ा जो फायदा होता है वाटर रिटेन कर लग देता है, वाटर रिटेन कर लग कर रखता है और उसे धीरे धीरे छोड़ता है। और मिट्टी जो है तो मिट्टी को एकदम पोरस कर देता है। मैं तो इसमें डालू क्योंकि मुझे यूज करना है। ये वर्मीकुलाइट पार्लाइट के साथ मिला के आप यूज कर सकते हैं, जो भी आपका इंडोर प्लांट्स है, इंडोर प्लांट्स कोई जर्मिनेशन कर रहे हैं, कोई सीड जर्मिनेशन कर रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, सीड जर्मिनेशन में। और इंडोर प्लांट में आप पार्लाइट फोटो सीड के साथ मिला लीजिए, ये बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट देता है। क्योंकि बहुत सालों से मैं यूज कर रहा हूँ और जानता हूँ कैसे करते हैं, तो ये आप जरूर यूज कीजिए। और ये बहुत हल्का है, ये इसका जो प्राइस है वो है 4.7 केजी 6,660 रुपीस, मीन्स अराउंड 5 केजी अराउंड 140 रुपीस पर केजी आते हैं। तो पार्लाइट से कम होता है, पार्लाइट थोड़ा ज़्यादा प्राइसी होता है, कॉस्टली होता है, ये पार्लाइट से कम होता है। और मिट्टी के साथ अच्छा से, इसमें बहुत सारे केमिकल्स भी होता है, जो नेचुरल मिनरल्स होते हैं वो मिट्टी के साथ मिल जाते हैं, मिट्टी के साथ मिलके वो थोड़ा प्लांट का थोड़ा फूड भी सप्लाई करते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन सबसे अच्छा है मिट्टी को पोरस बना देता है, मिट्टी को पोरस होने से उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है बहुत अच्छा हो जाता है, मिट्टी में पानी नहीं जम रहते। और मिट्टी जो एकदम कभी कभी गीला हो जाता है, गीलापन से ये दूर कर देता है एक मिट्टी को। लेकिन एक बात है, इसको जो जब पानी देंगे अब देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा पानी नहीं रिटर्न करते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, वो निकल देता है, पानी निकल देते हैं, बाकी जो जितना रिटर्न कर सके रिटर्न करते हैं, बाकी पानी निकल देता है। तो मिट्टी में ज़्यादा पानी नहीं जमते, मिट्टी में ज़्यादा पानी नहीं जमेगा तो उसका जो रूट्स है गल नहीं जाएगा, बहुत अच्छा ग्रो होता है रूट्स का। तो ये यूज़ करिए, यूज़ करके आप देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। यही था पार्लाइट का। और कुछ जानना चाहिए पार्लाइट के, सॉरी वर्मीकुलाइट के बारे में, तो वर्मीकुलाइट आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, आप ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए, और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।